राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आज नई मुख्यमंत्री मिल ही गई, आती सी मार्लिन। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल आज शाम को अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव आया था, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति दे दी। आज शाम करीब 4 बजे केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव तक दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिन होंगी। ये फैसला विधायक दल की बैठक में लिया गया है। बता दें कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी मार्लिन दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूं नीलू वर्मा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लिन आम आदमी पार्टी की सीनियर नेताओं में से एक है। आतिशी ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आतिशी फिलहाल दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। उनके पास दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ PWD और संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में वो काम भी कर रही है। आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खास माना जाता है और अब वो केजरीवाल की जगह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली है। अब अगर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिन की बात करें तो आम आदमी पार्टी की महिला नेता आतिशी एक होनहार स्टूडेंट है। बेहतरीन टीचर होने के साथ साथ वो शैक्षणिक योग्यता में भी अव्वल है। आतिशी का जन्म दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर 8 जून 1981 को हुआ था। आतिशी ने नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। आतिशी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेविंग छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ही शैक्षणिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में अपनी दूसरी मास्टर डिग्री भी हासिल कर ली। आतिशी ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 बिताए, जहां वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली से जुड़ी रही। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठन यानी NGO के साथ भी काम किया। यहां उनकी पहली बार आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई थी। बता दें कि आतिशी आम आदमी पार्टी के स्थापना के समय से ही आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। वह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए जानी जाती है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में सुधार का सबसे बड़ा श्रेय भी आतिशी को ही जाता है। वह आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्य भी रही हैं। बता दें कि साल 2020 में आतिशी पहली बार कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई थी। उन्होंने तब भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से मात दी थी। आतिशी मार्लिन साल 2013 से केजरीवाल के साथ काम कर रही हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी बन रही हैं। आतिशी अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे ताकतवर मंत्री मानी जाती हैं। आतिशी अन्ना आंदोलन के समय से ही संगठन में सक्रिय रही हैं। मौजूदा समय में आतिशी के पास सबसे अधिक मंत्रालय भी है। आम आदमी पार्टी में आतिशी ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी अपने 8 के कार्यकाल में जिन उपलब्धियों को सबसे ज्यादा बार गिनवाती है, उनमें शिक्षा का क्षेत्र सबसे ऊपर है और इसका सबसे बड़ा श्रेय भी आतिशी मार्लिन को ही जाता है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में आतिशी ने पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 2014 लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था। आपको बता दें कि आतिशी शुरू से ही दिल्ली की शिक्षा क्रांति का एक प्रमुख चेहरा है। यह सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने जो काम किए उसमें आतिशी ने उन्हें काफी सहयोग किया था। आतिशी ही मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही हैं और हर रणनीति उन्होंने ही बनाया है। लेकिन अप्रैल 2018 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।